चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में कल के वीडियो में हमने समझा था कि हमारे आसपास नेचर में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेटल्स कहलाते हैं, कुछ नॉन मेटल्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे पहचानते हैं वो हमने समझा था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। कैसे समझा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज से समझा था ना कल, कि भाई मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स को जो है वो ये उनमें से पत्रे या वायर बना सकते हैं, नॉन मेटल में से नहीं बना सकते, मेटल्स में से करंट और हीट पास होती है, नॉन मेटल में नहीं पास होती। ऐसी प्रॉपर्टीज समझी थी ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि जिससे पता चले कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझना शुरू किया था, कि जिसमें कल हमने एक टॉपिक देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, दूसरे केमिकल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करते हैं, ये हमने बात समझी थी उसमें। अब ये देखा था, अब उसके आगे आज हम लोग पॉइंट देखें, वही केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करें। तो आज हमारा पॉइंट है कि वही मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद वाटर। के मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करें तो कैसा रिएक्शन होता है? तो पता है, मेटल नॉन मेटल में हर किसी का रिएक्शन पानी के साथ अलग अलग होता है, सब वाटर के साथ एक जैसा रिएक्शन नहीं करते। कल हमने ऑक्सीजन में देखा था कि सभी मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ एक जैसा रिएक्शन करते हैं, लेकिन पानी के साथ सबका रिएक्शन सेम नहीं होता है। ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके हर कोई ऑक्साइड बनाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता, सबका रिएक्शन अलग अलग। जैसे पता है, सोडियम जैसा एक मेटल आता है, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल ऐसा है जो सबसे हल्के मेटल्स में से है, लाइट मेटल्स, वजन में हल्का है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सोडियम ऐसा मेटल है जो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। सोडियम को है ना हवा और खासकर पानी से तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए, नहीं तो सोडियम जरा सा पानी में गया ना कि वो तुरंत उसी वक्त जो है वो जल उठता है। ये पहले फोटो में जैसे दिया हुआ है कि सोडियम को अगर आप सिर्फ जरा से भी पानी में डालोगे ना तो एक ब्लास्ट की तरह वो पूरा का पूरा जल जाएगा। तो वो पानी के साथ कितनी जल्दी रिएक्शन करता है कि नहीं? वो सोडियम का छोटा सा पत्थर आता है, उसे लेकर अगर आप खाली पानी में डालो, इस तरह का ब्लास्ट होगा उसमें। पर वो ध्यान रखना, ये बाकायदा जो है वो आग की तरह होता है, ये आग जो है वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सोडियम का रिएक्शन पानी के साथ अलग होता है, लेकिन उसी की तरह अगर आयरन देखो ना, लोखंड अगर देखो, जैसे ये दूसरे फोटो में है कि अगर आयरन को आप पानी में डालो, क्या वो ऐसा रिएक्शन करेगा? जलेगा जोर से, पहले फोटो की तरह ब्लास्ट होकर जलेगा? आयरन ऐसा नहीं करेगा ना। आयरन को पानी में डालोगे ना तो कुछ दिनों बाद ऑन द स्पॉट नहीं, कुछ दिनों में उसके ऊपर रस्ट लग जाएगा, मतलब कि जंग लग जाएगी, काट लग जाएगा उसके ऊपर, बरोबर। तो वो पानी में ऐसा रिएक्शन नहीं कर रहा, सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। वही अगर कॉपर होता है, कॉपर को पानी में डालो तो वो भी काफी दिनों बाद उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जंग लगना शुरू हो जाती है। गोल्ड और सिल्वर होता है ना, वो भी तो मेटल है ना। गोल्ड और सिल्वर को अगर आप पानी में डालो, उसके ऊपर पानी की कोई असर नहीं होती, गोल्ड और सिल्वर पे पानी का कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ये जो रिएक्शन विद वाटर है ना, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन सबका अलग अलग होता है। मेटल्स जैसे देखा, अब नॉन मेटल्स के लिए भी वो रिएक्शन अलग है। कोई नॉन मेटल वाटर के साथ जल्दी रिएक्शन करता है, कोई नॉन मेटल वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ही एक एग्जांपल है, फॉस्फरस नाम का नॉन मेटल आता है। वो फॉस्फरस जो नॉन मेटल होता है ना, वो हवा के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन करता है। वो फॉस्फरस को अगर आप ऑक्सीजन में हवा में रखोगे ना तो वो जल जाएगा, ये सोडियम की तरह। लेकिन वही फॉस्फरस पानी में कुछ भी रिएक्शन नहीं करता,
इसलिए पता है जब फास्फोरस को स्टोर करके रखना हो ना, तो उसको ऐसे पानी में स्टोर करके रखते हैं जैसे आप ये फोटो में दिया हुआ है। ये फास्फोरस नॉन मेटल है तो उसको हमेशा पानी में स्टोर किया जाता है, तो वो पानी में सेफ रहता है। पानी के बाहर निकालोगे ना तो ये खराब हो जाएगा। तो देखो कि हर एक का पानी के साथ रिएक्शन अलग अलग होता है ना, कोई भी पानी के साथ सेम रिएक्शन करता नहीं है, बरोबर। फिर वैसे ही दूसरा कि जैसे पानी के साथ रिएक्शन देखा ना, अब आता है कि रिएक्शन विद एसिड, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, एसिड के साथ उनका रिएक्शन क्या है वो समझें। तो देखो मेटल्स नॉन मेटल्स का रिएक्शन में पहले मेटल्स का रिएक्शन अगर समझें, तो मेटल्स में अगर आप एसिड ऐड करोगे ना, जैसे एक एक्सपेरिमेंट लें कि एक छोटा सा ऐसे वेसल लिया करो जैसे इस फोटो में दिया हुआ है, उसमें उसमें कुछ जिंक के, जिंक जैसे शॉर्ट में ZN लिखते हैं, कुछ जिंक के टुकड़े इसमें डाले हैं, है ना, ये नीचे कुछ जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं, और उसमें जो है वो एसिड ऐड किया, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी एसिड ऐड करो, कि उसमें जैसे ही एसिड ऐड करोगे ना, तो उसमें ये नीचे बबल्स दिखाई देंगे। फोटो में देख रहे हो ना कि जैसे यहाँ बबल्स दिखाई देंगे, बरोबर। उसके ऊपर अगर आप हाथ रख दोगे तो अंदर अंदर जो है वो पूरा का पूरा धुआं भर जाएगा। वो क्या होता है, एक तरह का गैस, ठीक है। फिर अगर हाथ हटाओ, आप हाथ हटाओ तो वो गैस बाहर निकलेगा ना, और उसके पास, उस गैस के पास अगर आपको इंसेंस स्टिक मतलब कि अगर आप अगरबत्ती रखते हो जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर अगरबत्ती उस गैस के पास रखोगे ना, तो एक पॉप पॉप साउंड आएंगे, जैसे नहीं कुछ छोटे छोटे जो है वो फटाके फूट रहे हो, तो वैसे साउंड आएंगे उसमें से। ये पॉप पॉप साउंड पता है किसमें से निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस में से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वो कंबस्टिबल गैस होता है। कंबस्टिबल मतलब जल्दी से जल जाए ऐसा गैस होता है। तो इसका मतलब ये कहलाया, ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर मेटल्स को एसिड के साथ मिक्स करोगे ना, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन H गैस। मेटल को एसिड से मिक्स करो तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखो प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो एसिड के बारे में तो आपको पता ही है ना, एसिड जो है वो कितना हैवी आता है, कितना हैवी रिएक्टिव होता है ये एसिड। कि एसिड जरा सा भी स्किन पे पड़ जाए, जरा सा भी जो है वो कहीं पे पड़ जाए, तो वो चीज ऑन द स्पॉट खराब हो जाती है, पता है ना ये तो एसिड के बारे में। तो वही एसिड कोई अगर मेटल पे पड़ेगा ना, तो कहीं पे कोई मेटल हो ना, कभी आप ट्राई मत करना, लेकिन कहीं पे अगर आपने देखा हो कि कोई मेटल हो और उसके ऊपर अगर जरा सा कुछ बूंदे भी एसिड अगर गिरे ना, तो जोर का एक धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है पता है, ये हाइड्रोजन गैस होता है। और वो जो मेटल होता है ना, उस मेटल के ऊपर कुछ सॉल्ट जैसे, नमक जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, कि जो उस मेटल, मतलब ये कहलाता है कि वो मेटल थोड़ा सा सड़ जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है एसिड की वजह से। ये प्रैक्टिकली, तो देखो कोई भी मेटल हो ना, एनी मेटल, फिर भले वो आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल अगर जो है वो ये एसिड पर, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो उनमें से ये हाइड्रोजन गैस पास होता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स की अगर बात करें ना, तो नॉन मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो नॉन मेटल्स के ऊपर एसिड का कोई भी रिएक्शन होता नहीं है। कोई भी नॉन मेटल के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे ना, तो उसका ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कि उनमें से गैस निकलता है, वो तो एसिड की वजह से गैस निकलता है, लेकिन बहुत कम प्रपोर्शन में। नॉन मेटल का भी ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर होता नहीं है। तो एसिड के साथ रिएक्शन में ये याद रखो बेटा कि मेटल्स का एसिड के साथ जल्दी रिएक्शन होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, जबकि नॉन मेटल का एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन होता नहीं है। और जैसे ये एसिड देखा ना, वैसे ही दूसरा आता है बेस के साथ। मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेस के साथ क्या रिएक्शन, तो देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेस के साथ भी सेम रिएक्शन होता है जो रिएक्शन एसिड के साथ होता है। एसिड के साथ जो रिएक्शन हुआ ना, वही रिएक्शन बेस के साथ भी होगा।
मतलब कि वही, अगर कोई वेसल में अगर आप कोई मेटल डालोगे ना, कोई भी मेटल उसमें ऐड करोगे ना, और उसमें अगर बेस डालो आप, तो उसमें से भी वैसा ही गैस निकलेगा, और वो गैस में इंसेंस स्टिक रखोगे तो उनमें से भी पॉप पॉप साउंड आएंगे। तो इसका मतलब कि मेटल्स को बेस के साथ मिक्स करोगे ना, तो उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सेम सेम जो है वो प्रोसेस, कोई भी मेटल हो। और नॉन मेटल्स भी बेस के साथ कोई रिएक्शन करते नहीं है। तो एसिड हो या बेस हो, दोनों के लिए सिंपल बात ये याद रखो कि दोनों जो है वो एसिड के साथ, सॉरी, दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल के साथ उनका रिएक्शन होता नहीं है। बरोबर ना? अब उनके बाद दूसरा एक रिएक्शन आता है, जो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? ये एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसा है कि एक एक्सपेरिमेंट से समझा, आपके टेक्स्ट बुक का ये एक एग्जांपल है, आपके टेक्स्ट बुक का ये एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है कि समझो कि कोई अलग अलग वेसल्स लेते हैं। यहाँ पे ये सब वेसल्स है ना, ये पहली ड्राइंग में जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, नहीं तो वो नाम रीड करना आप लोग, कि ये सब जो पांचों वेसल हैं, इनमें एक वेसल में कॉपर सल्फेट लिया, एक वेसल में क्या लिया, कॉपर सल्फेट, दूसरे में भी कॉपर सल्फेट, तीसरे में जो है वो जिंक सल्फेट। कौन सा? जिंक। जिंक सल्फेट मतलब ये पानी है एक तरह, कॉपर सल्फेट ये लिक्विड, ये दूसरे में भी ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, तीसरे में ये वाइट कलर का ये जिंक सल्फेट, चौथे में जो है वो ये आयरन सल्फेट, आयरन का, और ये पांचवे में फिर से जिंक सल्फेट। और इन सब में, ये सब जो पानी लिया गया ना, तो इन सभी पानी में कुछ दूसरे मेटल के टुकड़े डाले गए, कि जैसे पहले में डाला गया जिंक, ये कॉपर सल्फेट था उसमें जिंक डाला गया। बराबर, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 पे ये सब लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो ये ध्यान देना। जरूरी नहीं, जस्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी समझो कि पहले इस कॉपर सल्फेट का पानी था पहले में, उसमें जिंक डाला गया, दूसरे में भी कॉपर सल्फेट का पानी था उसमें आयरन डाला गया, तीसरे में जिंक सल्फेट का पानी था उसमें कॉपर डाला गया, चौथे में आयरन सल्फेट का पानी था उसमें भी कॉपर डाला गया, और आखिरी में जिंक सल्फेट का पानी था उसमें आयरन डाला गया। तो ऐसे ये सब जो ये वाटर जो ये लिक्विड थे ना, उसमें कुछ मेटल्स डाले गए, और मेटल्स डालने पर है ना, किसी में कोई रिएक्शन हुआ, किसी में रिएक्शन नहीं हुआ। जैसे इनमें से पहले दो में रिएक्शन हुआ ये, और बाकी के तीन में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। देखो, बाकी के तीन नो चेंज, सेम टू सेम है। पहले में रिएक्शन हुआ जिनमें उनका थोड़ा कलर चेंज हो गया, जैसे वो पहले में ब्लू कलर था ना, कि कॉपर सल्फेट में जिंक के टुकड़े डाले थे, जिंक मेटल उसमें ऐड किया था, तो उसमें उसमें जो है वो उनका कलर चेंज हो गया, कुछ डार्क ब्लू टाइप हो गया। दूसरे में ब्लू था कि वो भी कॉपर सल्फेट में आयरन के टुकड़े डाले थे, तो वो थोड़ा ग्रीन कलर जैसा हो गया। ये क्यों हुआ पता है? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक रिएक्शन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी कोई जो है वो लाइट मेटल्स जो होते हैं ना, हल्के मेटल्स, वो हमेशा हैवी मेटल्स की तरफ डिस्प्लेस्ड करते हैं। एक इसमें समझे, चलो ये एक जो है वो इक्वेशन से समझे कि जैसे कि ये पहली पहली जो है वो वेसल के लिए ये लिखा हुआ है, पहले वेसल के लिए, कि ये कॉपर सल्फेट, पहले वेसल में हमने पहले कॉपर सल्फेट का पानी डाला था, और उसमें फिर जिंक के मेटल्स डाले, क्या डाला, प्लस जिंक। तो उससे क्या हुआ पता है? अंदर जो है वो डार्क ब्लू कलर का पानी बन गया, ये कलर चेंज हो गया। के यहाँ देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ क्या मिक्स था, सल्फेट मिक्स था, और जिंक अकेला था ना, लेकिन जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ ना, तो ये सल्फेट जो है वो जिंक के साथ मिक्स हो गया। ये सल्फेट है ना, वो किसके साथ मिक्स हो गया, जिंक के साथ।
कि अब जिंक सल्फेट हो गया, जिंक के साथ सल्फेट मिक्स हो गया और कॉपर, कॉपर वही का वही रह गया। ठीक है ना, पहले कैसे कॉपर सल्फेट और जिंक अकेला था, तो उसके रिएक्शन में जो कलर चेंज हुआ ना, तो अंदर क्या हो गया पता है, कि अंदर जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अकेला रह गया। कि इस पहले वाले में हमने डाले तो थे कॉपर के, सॉरी जिंक के मेटल, जिंक का मेटल डाला था, लेकिन आखिरी में हमें मिला कॉपर का मेटल। जिंक का पहले कॉपर का पानी था और जिंक के टुकड़े थे, लेकिन रिएक्शन से क्या हो गया पता है, उसमें जिंक का पानी बन गया और कॉपर के टुकड़े बच गए। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेस्ड हो गया ये कॉपर सल्फेट, वो डिस्प्लेस्ड मतलब जगह बदल के यहाँ जिंक के पास चला गया, कि दूसरे में जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर टुकड़े रह गया। समझ आया? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, कि जब एक मेटल वो दूसरे मेटल पे डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब कि अपनी जगह बदल दे वो। समझ आई बात? ऐसा ही है ना, ऐसा ही इसमें भी हुआ, कि यहाँ कॉपर के दूसरे में कॉपर के पानी में हमने आयरन के टुकड़े डाले, तो अंदर क्या चेंज हो गया पता है, कि अंदर आयरन का पानी बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर के टुकड़े अलग हो गए। बराबर, बाकी के तीन में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बाकी में भी यही किया था, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि हमेशा जो हल्के मेटल में आप भारी मेटल डालोगे ना, तो ही ये रिएक्शन होगा। अगर भारी मेटल में हल्का मेटल डालोगे तो ये रिएक्शन होगा नहीं। तो इसी वजह से बाकी के तीन में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ पहले दो में ही ये रिएक्शन हुआ, क्योंकि हल्के मेटल में ही हमने जो है वो ये भारी मेटल्स डाले थे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान आया ना, हमने सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी ना। अब जो है वो चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है, वो आता है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सिंपल सा पॉइंट है हमारा आखिरी, मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस। अब देखो, आपको तो पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं उनके तो हर जगह यूज होते हैं। जो मेटल है ना, जैसे कि यहाँ कॉपर, लीड, टिन, निकल, स्टील, जिंक, आयरन, ऐसे न जाने कितने मेटल्स हैं, और इन मेटल्स के हर जगह यूज़ होते हैं, मशीन बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रीज के गैजेट्स, आपके घर के बर्तन, यूटेंसिल्स, वो वाटर बॉटल्स बनाने में, है ना, पाइप्स वगैरह बनाने में, तो कितनी सारी चीज़ें बनाने में जो है वो ये मेटल्स का यूज़ होता है, हर जगह पर उनका यूज होता है। लेकिन नॉन मेटल, मेटल का यूज चलो आपको पता ही हो, लेकिन नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज होता है? क्या वो भी हर जगह यूज होता है? तो हाँ होता है, नॉन मेटल भी हर लिविंग थिंग के लिए जरूरी है। कि जैसे कि नॉन मेटल्स में से है ना फर्टिलाइजर्स बनते हैं, पहले एक नॉर्मल बता रहा हूँ, कि नॉन मेटल में से फर्टिलाइजर बनते हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स। दूसरा, नॉन मेटल का यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, पानी को साफ करना हो ना तो उसमें क्लोरीन वगैरह डाला जाता है, वो नॉन मेटल होता है। तो पानी को साफ करने के लिए भी नॉन मेटल यूज होता है। इसके अलावा नॉन मेटल का यूज दवाइयाँ बनाने के लिए होता है, एंटीसेप्टिक बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, या जैसे डेटॉल जैसी, ये सैनिटाइजर जैसी चीज़ें आती हैं, वो बनाने के लिए भी नॉन मेटल का यूज़ होता है। और नॉन मेटल का यूज़ क्रैकर्स बनाने के लिए, दिवाली के पटाखे आते हैं ना, वो भी बनाने के लिए नॉन मेटल का यूज़ होता है। और कॉमन चीज़ें, सबसे ज़्यादा यूजफुल नॉन मेटल जो है, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल नॉन मेटल वो ये है, डायमंड। ठीक है, डायमंड, हाँ डायमंड वो नॉन मेटल में आता है। और डायमंड का यूज़ आपको पता ही है कि हर तरह की ज्वेलरी बनाने के लिए डायमंड का यूज़ होता है। फिर पता है सल्फर होता है, सल्फर या फॉस्फोरस, उनका यूज़ मैचस्टिक बनाने के लिए होता है, माचिस की तीलियाँ आती है ना, तो ऊपर ये रेड या ब्लैक कलर का ये गन पाउडर होता है कि नहीं, है ना, उन तीली को जलाने के लिए ये जो रेड कलर के पाउडर्स लगे हुए होते हैं इनके ऊपर मैचस्टिक पे, तो ये भी नॉन मेटल से बनते हैं। और सल्फर जैसा नॉन मेटल है कि जिनमें से ये पेंट बनाए जाते हैं, घर पे जो पेंट कलर लगते हैं, कि वो भी नॉन मेटल में से बनाए जाते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली मेटल्स ही हर जगह पर यूजफुल हैं, लेकिन जितने ज़्यादा मेटल यूजफुल है ना, मेटल में से जितनी चीज़ें बनती है ना, उतनी ही चीज़ें नॉन मेटल्स में से भी बनाई जाती हैं, वो भी उतने ही यूजफुल हैं। बरोबर ध्यान आया ना? तो देखो, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, जैसे चैप्टर नंबर 4, अब ऐसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।